नमस्कार बायोडोआर चैनल आपके स्वागत आशा करी भलो आलो आपनर खाचा एभियारी पोषा पाखीगुलिओ ग्रीष्मकाले अर्थात गरम समय एवं बर्षार समय जाभा स्पैरो पाखीगुलिर किन्तु एक धरनेर पोका है ये पोकागुलो मारार जन्य जो व्यवस्था आज के सेटा निये आलोचना करब तार आगे छोटो खाटो किछु गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करार पर ही आसब से विषय एरा असुस्थ होले एदेर चिकित्सा करते हैं प्राय कैनारी एवं फिंस पाखिर मतो जाभा स्पैरो के आमरा जाभा राइस बार्ड जाभा टेम्पल बार्ड बा पैडी बार्ड इत्यादि नामेओ डेके थाकी। मूल आलोचना आसार आगे छोटो एक अनुरोध कर रखी आमादेर ए चैनेले जारा नतून एसेछेन जदि भालो लागे जदि सामान्यतम उपकारे आसे तबे निश्चय सबस्क्राइब करबेन एवं पाशे थाका बेल आइकने क्लिक करे आमादेर संगे थाकबेन। आमरा प्रतिनियत पाखिर चिकित्सा और पाखी विषय भिडियो करे थाकी आर जारा इतिमध्ये आमादेर ए चैनलटी सबस्क्राइब करेछेन तादेर जानाई असंख्य धन्यवाद। जदि आमादेर ए भिडियोटी भालो लागे तबे निश्चय लाइक शेयर एवं कमेंट करे आमादेर उत्साहित करबेन। प्रथमे आमी एदेर खाबार सम्बन्धे किछु आलोचना करी। एरा साधारणत बड़ो कांगनी दाना खेलेओ एरा सबथेके भालो पछन्द करे धान अर्थात एदेर प्रिय खाबार होच्छे धान। खोसा छाड़िये खूब सुंदर करे एरा भितरे चाल बेर करे खेये नेय़। जाभा स्पैरो पाखीगुलिर अन्यान्य पाखिर थेके क्यालसियामेर प्रयोजन अनेक बेशी हय एई जन्य खाबारेर संगे ब्लैक सीडेर परिमाणो एकटु बेशी दिते हय। अन्यान्य खाबारेर संगे सप्ताह अंतत चार दिन भात भिजानो चिड़ेर संगे सिद्ध डिम ग्रेट करे देवा अत्यंत प्रयोजन। एछाड़ा शाक बरबटी सबुज शाक एदेर दितेई हय। सबुज शाक ना होले स्वास्थ्य भालो थाके ना। सबुज शाक बोलते बोझाई आमरा पुई शाक पालन शाक कलमि शाक लेटुस शाक एई धरनेर शाकगुलो दीते हबे। बाच्चा थाकले निश्चयई एदेर सिद्ध डिमेर कुसुमेर संगे बिस्कुटेर गुड़ो दूध पाउरुटी पिपड़ेर डिम एगुलो दीते पारले खूबी भालो हय। जदि पारा जाए पोकार लार्भा सेटा होले बाच्चाओ भालो थाके बाच्चार ग्रोथ भालो थाके। एछाड़ा खाचाते सब समय समुद्रेर फेना डिमेर खोलार गुड़ो एगुलो निश्चयई राखते हबे। बीट नुनेर एकटा व्यवस्था रखा प्रयोजन आछे अर्थात भालो प्रजननेर जन्य अर्थात डिम एवं बाच्चा भालोभावे पावार जन्य सुस्थ बाच्चा पावार जन्य अवश्यई खाचार भितरे ग्रिड राखते हबे। जाभा स्पैरो पाखी पुषते सेपारेट खाचाओ जेमन पोषा जाए सेरकम कलोनीतेओ पोषा जाए। सेपारेट खाचा अर्थात एक एक जोड़ा पाखी एक एक खाचाय थाकबे सेक्षेत्रे दुई फुट लम्बा देड़ फुट चौड़ा एवं देड़ फुट उच्चता विशिष्ट खाचाई जथेष्ट। किन्तु सेपारेट के जे पुषते गेले एई खाचागुलो पाशापाशी राखते हबे तबेई किन्तु एरा प्रजनने उत्साहित हबे। जेहेतु एरा झाकबाधा पाखी अनेक पाखी एकसंगे थाकलेई एरा प्रजनने उत्साहित हय किन्तु कलोनीते पोषाय सबथेके भालो। आमार मते जाभा स्पैरो कलोनीते खूब भालो ब्रिडिंग करे। बासार जन्य बाजीगारेर जे हाड़ीगुलो व्यवहार करा हय ओर थेके एकटु छोटो एवं फिंसेर जे बासागुलो तैरि हय तार थेके एकटु बड़ो हाड़ी दिलेई हय अथवा काठेर बाक्सो दिते पारेन 6 इंची बाई 6 इंची काठेर बाक्सोते हय। एबार नेस्टिंग मेटेरियल्स हिसाबे नारकेलेर छोबड़ा शुकनो घास कागजेर टुकरो सुपुरीर खोला एके भिजिए रखले परे किछुटा नरम हय एवं सेटाके टेने टेने खानिकटा तुलोर मतो हो जाए एटाओ काजे लागाते पारेन। तारपरे मुरगीर पालक एटाके गरम जले भालो करे धुए भालो करे शुकिए तारपरे देवा जेते पारे एवं एटा दिले जेटा हबे सेटा होच्छे एकटा गदि टाइपेर तैरि हय फले पाखिर पायेर चापे बा अन्य कारणे पाखिर बाच्चारा क्षतिग्रस्त हय ना। 8 থেকে 9 মাস বয়সে স্ত্রী পাখিটি 5 থেকে 6টি ডিম দেয় এবং তৃতীয় ডিমটি দেওয়ার পরেই ডিমে তা দেওয়া শুরু করে এবং 14 দিন থেকে 15 দিন তা দেওয়ার পরে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়। হাড়িতে এই বাচ্চাগুলো প্রায় 1 মাস পর্যন্ত থাকে। 1 মাস পরে হাড়ির থেকে এই বাচ্চাগুলো বের হয় কিন্তু মা বাবার সঙ্গে আরও 2 সপ্তাহ মতো থাকতে হয়। তার মানে 2 সপ্তাহ মতো মা বাবা ওদের খাইয়ে দেয়। বাচ্চাগুলো খাবার খাওয়া শিখে গেলে ওদের আলাদা করে দিতে হয় কারণ স্ত্রী পাখিটা ডিম পারে সেখানে গিয়ে ওরা ডিস্টার্ব করে। এবার আসি জাভা স্প্যারো পাখিগুলির গায়ে
বা গ্রীষ্মকালে বা বর্ষাকালে ছোট ছোট পোকা দেখা যায়। এই পোকাগুলো মারার জন্য ডেল্টা মেথ্রিন 1.25% দ্রবণ। মার্কেটে এটা বুটক্স, এক্লোনট, লাইসেল নামেও পাওয়া যায়, যে কোনো নামে পাওয়া গেলেই হবে। এই ওষুধটাকে 1 লিটার জলে 2 ml মিশিয়ে, ভালো করে মিশিয়ে ঝাঁকিয়ে তারপরে স্প্রে করতে হবে সপ্তাহে অন্তত 2 দিন, তারপরে সপ্তাহে 1 দিন, তারপরে 15 দিন পরে 1 দিন স্প্রে করলেই এই পোকা থেকে পাখিগুলোকে মুক্ত করা যাবে। ভালোভাবে যেমন পাখির গায়ে স্প্রে করে দিতে হবে, ঠিক সেরকমভাবেই খাঁচার সমস্ত জায়গায় এই ওষুধটা স্প্রে করে দিতে হবে। কিন্তু যেহেতু এই ওষুধটি বিষাক্ত, সেহেতু এটা যেন কোনোরকমভাবে খাবার জলের সঙ্গে বা খাবারের সঙ্গে না মিলে যায়। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে পাখির অন্য কোনো বিষয় নিয়ে পরের ভিডিওয়ে। ধন্যবাদ।